Assalamualaikum student. I hope all of you will be fine. Now we are going to start science. Chapter 1 is the human body. In this chapter, we discuss about human body. The topic first is the cell, tissues, organ, some organ of the body, organ system, skeletal system, muscular system. Muscular systems में हमारे पास कौन से होते हैं? Smooth muscles, cardiac muscle और skeletal muscle. First of all, we discuss cell. हम जानते हैं कि cell क्या होता है. Cell जो है वो smallest unit होता है किसी भी body का. यानी कि जब भी कोई इंसानी जिस्म या कोई living thing जो है वो बनता है, तो वो सबसे पहले वो एक छोटा small cell होता है. तो हम यहाँ पे cell को देखते हैं कि cell क्या होता है. Like all living things, human body made up of cell. इस तरह हमारे पास जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं या ह्यूमंस हैं, तो वो सेल से बनते हैं. सबसे पहले जो उनका फर्स्ट स्टेप्स होता है वो सेल होता है. सेल से फिर आगे वो फर्दर टिश्यूज बनते हैं, टिश्यू से फिर आगे ऑर्गन्स, और फिर आगे उसकी फर्दर प्रोसेसिंग होती है. तो यहाँ पे हमने सिर्फ सेल के बारे में देखा कि सेल जो है वो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है बॉडी का. बोन सेल्स, अब हमारे पास सेल्स कौन कौन से होते हैं? बोन सेल्स होते हैं, मसल सेल्स, हार्ट सेल्स, ब्लड सेल्स एंड सो ऑन. ये यहाँ पे कुछ डायग्राम दिखाएंगे. नर्व सेल, ये देखिए नर्व सेल है. नर्व्स के बारे में आप सबको पता होगा, जिस तरह हम पहले पढ़ के आ चुके हैं ब्रेन एंड नर्व्स के बारे में, कि ब्रेन जो है पूरी बॉडी को ऑर्डर पास करता है, या सारे वर्ड जो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है ब्रेन. तो नर्व्स क्या होती है? अब ब्रेन खुद ब खुद तो नहीं सब कुछ करता, किसी चीज के साथ पूरी बॉडी से कनेक्ट होगा, तो जिन वेन्स के साथ, नर्व्स के साथ वो कनेक्ट होता है उनको कहते हैं नर्व्स. तो ये नर्व सेल है, ठीक है. ये डायग्राम जो, ये नर्व सेल्स की. उसके बाद रेड ब्लड सेल्स के बारे में आप सबको पता होगा. ये देखिए, ये हमारे बॉडी में ये रेड ब्लड सेल्स होते हैं, ये उसकी डायग्राम है. और उसके बाद ये एपिथेलियल टिश्यूज. एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में भी हम फर्दर यहाँ पर डिस्कस करेंगे. यहाँ पे हमने सेल के बारे में देखा कि सेल जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, और कौन कौन से सेल्स होते हैं. रेड ब्लड सेल्स होते हैं, व्हाइट सेल्स भी होते हैं, बोन सेल्स होते हैं, मसल सेल्स होते हैं, हार्ट सेल्स होते हैं. और इसके बारे में हमने ये डायग्राम्स भी देखी. और नेक्स्ट है हमारे पास टिश्यूज. टिश्यूज क्या होते हैं? टिश्यू जो है स्पेशल ग्रुप्स ऑफ सेल परफॉर्म सिमिलर जॉब. स्पेशल ग्रुप्स के जो सेल होते हैं, यानी कि जब सेल आपस में ज्वाइन हो जाते हैं तो वो सिमिलर जॉब परफॉर्म करते हैं, तो हमारे पास क्या कहलाते हैं? टिश्यूज कहलाते हैं. यहाँ पर देखिए, ये टिश्यू की फोर कैटेगराइज में इसको यहाँ पे शो किया गया. नर्वस टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू. जी, इसकी ये डायग्राम ये देखिए आपके सामने, ये ह्यूमन स्ट्रक्चर बनाया हुआ है. इसमें इसको ये शो करते भी दिखाया हुआ है. ये हमने चार यहाँ पे इसकी कैटेगरीज को डिस्कस किया. सब ये मसल्स टिश्यूज देखे, यहाँ पे ये यहाँ से कनेक्ट है, और ये हमारे मसल्स के बारे में हमें पहले से पता है, तो ये उसके साथ जो कनेक्ट होता है ये हमारा क्या है? मसल्स टिश्यू. ये जो इसकी यहाँ पे आपको डायग्राम्स नजर आ रही है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर रख के देखी गई है. तो ये वहां से इस तरह ये हमें नजर आ रही है इस शेप में. तो ये यहाँ पे जो, यानी कि मूवमेंट्स वगैरह का जो कंट्रोल करते हैं वो हमारे पास कौन से होते हैं? मसल्स टिश्यू, यानी कि मस्कुलर टिश्यू, जिसका हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं. और उसके बाद ये देखें, यहाँ पे हमारे ये कनेक्टिव टिश्यूज है. कनेक्टिव टिश्यूज ये देखें, मस्कुलर टिश्यूज के बारे में वो बताया. कनेक्टिव टिश्यूज ये वाले गिव शेप टू ऑर्गन्स, यानी कि हमारे ऑर्गन्स को शेप्स देने के लिए यूज होता है. ये हमारा कनेक्टिव टिश्यू कहलाता है. उसके बाद ये है नर्वस टिश्यू. ये देखें, नर्वस टिश्यू, नर्व्स के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि ब्रेन को जो पूरी बॉडी के साथ कनेक्ट करती है वो क्या होती है? नर्व्स. तो अब उसके कोई ना कोई टिश्यूज भी होंगे, तो ये नर्व्स टिश्यूज है. नर्व्स कहाँ पे? ब्रेन से कनेक्ट करती है, तो यहाँ पे होंगे. तो इसलिए देखिए, ब्रेन के साथ नर्व्स टिश्यू को शो किया हुआ है. स्पाइनल कॉर्ड भी जो है वो उसकी कोऑर्डिनेशन का काम करती है ना ब्रेन के साथ, ये हम सबको पता है. तो उसके बाद ये क्या करती है? सेंड सिग्नल टू एंड फ्रॉम द ब्रेन, यानी कि कोई भी टास्क जो हम परफॉर्म करते हैं, कोई भी बात उसमें ब्रेन को बतानी होती है, तो वो नर्व सेल के थ्रू या नर्व टिश्यू के थ्रू, जो नर्व्स जो होती हैं उनके थ्रू वो ब्रेन तक जाता है. तो उनको हम क्या कहते हैं? नर्व्स टिश्यूज. यानी कि नर्व्स टिश्यू से जो भी ऑर्डर है वो ब्रेन तक जाता है, जो भी टास्क हुआ है वो ब्रेन तक जाता है, और ब्रेन से ऑर्डर पास होता है. वो एक और नर्व होती है, मोटर नर्व, लेकिन उसका हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे. हम जस्ट यहाँ पे नर्वस टिश्यू के बारे में पढ़ रहे हैं. तो आपको सिर्फ इतना बताना चाहिए कि नर्वस टिश्यू क्या होते हैं. नर्व्स के बारे में भी बताया, और ये किस तरह ऑर्डर पास करती हैं और बॉडी से कनेक्ट होती हैं, तो वो नर्व्स होती हैं, और इसको हम कहते हैं नर्वस टिश्यू. ये हो गया हमारा नर्वस टिश्यू. उसके बाद रह गया हमारे पास एपिथेलियल टिश्यू. यहाँ पे ये देखें, ये एपिथेलियल टिश्यू की सेपरेट भी बना के दिखाई थी, और यहाँ पे ये देखें, ये इधर से ये इंटेस्टाइन के इधर वाली साइड से कनेक्ट होते हैं. एपिथेलियल टिश्यू कवर सम पार्ट्स ऑफ बॉडी, ये बॉडी के कुछ पार्ट्स को कवर करते हैं, तो ये हमारे पास होते हैं एपिथेलियल टिश्यू. इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है
ऑर्गन। अब हम इसकी एरो डायग्राम में देखेंगे कि ऑर्गन्स किस तरह होते हैं, यानी कि सेल, जिस तरह भी मैंने बताया कि सेल होते हैं, सेल जब सेल्स काफी सारे कंबाइन हो जाते हैं तो फिर वो आगे टिश्यूज बन जाते हैं। इस तरह टिश्यूज का जब ग्रुप होगा तो आगे वो हमारे पास ऑर्गन बनता है, और फिर ऑर्गन से हमारे पास ऑर्गन सिस्टम बनता है, यानी कि कोई भी जो लिविंग थिंग है वो बनता है। तो इस तरह हम आगे नेक्स्ट अपना देखेंगे कि ऑर्गन, ये हमने यहाँ भी पढ़ा था टिश्यूज, सेल का पढ़ा, टिश्यूज का जैसे मैंने बताया ग्रुप ऑफ सेल्स होंगे तो हमारे पास टिश्यूज बन जाएंगे, इस तरह ग्रुप ऑफ टिश्यूज होंगे तो हमारे पास ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से हमारा ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो ये देखिए ये इसका डायग्राम में शो किया, ये हमारे पास एक सेल है, ये आपको सेपरेट बना के दिखाते ना एपिथेलियल सेल, ये इस तरह एक सेल है, सेल से क्या बना टिश्यू, टिश्यू से आगे क्या बना हमारे पास ऑर्गन, और ऑर्गन से क्या बन गया ऑर्गन सिस्टम। ये देखिए सेल, सेल से टिश्यू बनता है, यानी ग्रुप ऑफ सेल्स जो होते हैं टिश्यू बन जाते हैं, फिर टिश्यूज जो होते हैं ग्रुप्स ऑफ, तो वो ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से हमारे पास ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। ठीक है, इस तरह ये हमारा हो गया ऑर्गन सिस्टम। और उसके बाद आता है हमारे पास स्केलेटल सिस्टम, को हमने डिस्कस किया। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा है मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम हमारा क्या होता है, यानी कि बोन्स हमारी अकेली तो मूव नहीं कर सकती, खुद ब खुद काम नहीं कर सकती, उनको मूव करने के लिए, काम करने के लिए, उनसे कोई भी टास्क परफॉर्म करवाने के लिए मसल्स के साथ जो है वो बोन्स मूव करती हैं, अकेली बोन मूव नहीं करती, मसल्स के साथ जो है वो बोन्स मूव करती हैं। तो ये हमारा है मस्कुलर सिस्टम। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम ऑफ बॉडी, ये हमारी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है, कंसिस्ट ऑफ मसल्स एंड टेंडन्स। जी टेंडन्स क्या होते हैं, टेंडन्स होते हैं जो हमारी बोन्स को मसल्स के साथ ज्वाइन करते हैं, थिक टिश्यूज उनको हम कहते हैं टेंडन्स। जी टेंडन्स हमारे पास क्या होता है, थिक टिश्यू या स्ट्रेंड्स जो हमारी बॉडी बोन्स को मसल्स के साथ ज्वाइन करते हैं, तो उनको हम कहते हैं टेंडन्स। जी आगे हमारे पास हम मसल्स की देखिए हमने टाइप्स की थी कि स्मूथ मसल्स, कार्डिक मसल्स और स्केलेटल मसल्स, थ्री टाइप्स के हमारे पास मसल्स होते हैं। उसकी ये डायग्राम्स भी देखिए आपके सामने बना के शो की हुई है, स्मूथ मसल्स, कार्डिक मसल्स और स्केलेटल मसल्स। जी स्मूथ मसल्स में क्या होता है, स्मूथ मसल्स जो है हमारे पास ये हमारे इनवोलेंट्री मसल्स होते हैं। इनवोलेंट्री और वोलेंट्री का कॉन्सेप्ट आपको शायद पहले से भी पता हो, दोबारा बता देती हूँ। वोलेंट्री वर्ड्स वो होते हैं, वोलेंट्री मसल्स, वोलेंट्री वर्ड्स के जो काम हमें सोच समझ के करना पड़े, इनवोलेंट्री वो जिसके लिए हमें सोचना ना पड़े। तो स्मूथ मसल्स जो है वो हमारे पास कौन से होते हैं, इनवोलेंट्री मसल्स होते हैं, जैसे कि इंटेस्टाइन के, ब्लडर्स के, ये मसल्स जो है हमारे पास स्मूथ मसल्स होते हैं। और इनवोलेंट्री का मतलब होता है कि ये ऑटोमेटिकली काम करते हैं, यानी कि इनके लिए हमें सोचना नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल जैसे खाना, खुराक हम खाते हैं, अब लास्ट ये नहीं कि हम उसको इंस्ट्रक्ट करें, ब्रेन जो है हमारी बॉडी को इंस्ट्रक्ट करता है, ऑर्डर पास करता है कि ये काम करना है, ये काम करना है। तो लेकिन जो इनवोलेंट्री होते हैं स्मूथ मसल्स, जैसे कि अगर फॉर एग्जाम्पल अब हम खाना खाते हैं, अब हमने खाना खाया वो हजम भी होगा, डाइजेस्ट भी होगा, लेकिन अगर हम उसको इंस्ट्रक्ट करना, अगर सोचें हम उसको इंस्ट्रक्ट करना भूल जाएं कि खाना हजम करे, ब्रेन उसको ऑर्डर पास करना भूल जाए, तो क्या खाना हजम नहीं होगा? हम तीन दिन तक भूल गए कि हाँ मैंने तो ब्रेन को कहना था खाना हजम होने का, वो नहीं कहा, भूल गया, तो क्या खाना हजम नहीं होगा? नो, ऐसा नहीं होता। अगर हम ना चाहें लेकिन फिर भी खाना खुद ब खुद हजम हो जाता है, तो वो हमारे पास क्या होता है, इनवोलेंट्री एक्शन होता है, यानी कि इनवोलेंट्री मसल्स जो है ये काम ऑटोमेटिकली कर देता है। अब इनवोलेंट्री का समझ आया अच्छे से? जी इस तरह हमारे पास नेक्स्ट है कार्डिक मसल्स। कार्डिक मसल्स क्या होते हैं, विच मेक्स द हार्ट एंड कार्डिक मसल्स, यानी कि हार्ट और कार्डिक मसल्स को जो बनाते हैं, ये भी इसकी तरह स्मूथ मसल्स की तरह ये भी इनवोलेंट्री होते हैं, यानी कि जैसे हार्ट बीट है वो चल रही है, इनवोलेंट्री का मतलब कि हमें उसके लिए सोचना नहीं पड़ता, हार्ट बीट है वो चल रही है खुद ब खुद, अगर हम उसको चाहें भी तो नहीं रोक सकते, वो एक मतलब वो चलती रहेगी खुद ब खुद। ब्लड जिस तरह पंप हो रहा है बॉडी में, तो हम उसको नहीं रोक सकते, ऑर्डर नहीं पास करना पड़ रहा कि ब्लड पंप करे, ब्रेन को ऑर्डर पास नहीं करना पड़ रहा, वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद परफॉर्म हो रहा है टास्क। तो ये होता है इनवोलेंट्री। इनवोलेंट्री हमें पता है कि हार्ट जो है दिल वो खून को, ब्लड को पंप करते हैं, तो इसमें क्या होता है, इन कार्डिक मसल्स क्या करते हैं, जब ब्लड जो है पंप इस तरह होता है, जब वो बाहर ब्लड जाता है यानी पंप होता है, तो वो क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, यानी कार्डिक मसल्स जो है, जैसे ये देखेंगे ये बोन्स के साथ नहीं कनेक्ट होती, ये एक मसल्स के साथ दूसरा मसल, ये देखिए जिस तरह ये मसल है ये यहाँ पे इसलिए सेपरेट नहीं हुआ, ये देखिए ये नीचे वाले मसल के साथ ज्वाइन हो गया, यहाँ से ये वाला भी इसके साथ ज्वाइन हो गया, फिर ये वाला इसके साथ, यानी ये एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो गए, जा रहे सेपरेटली नहीं है।
ठीक है। तो ये इनवोलेंट्री, जब ब्लड जो है आउटसाइड जाता है यानी निकलता है, पंप कर रहा है ना, इस तरह ब्लड आ भी रहा है जा भी रहा है, आ भी रहा है जा भी रहा है, पंप आउट हो रहा है। जब ब्लड इस तरह बाहर निकल रहा है तो कार्डिक मसल्स क्या होते हैं, सुकड़ जाते हैं, और जब ब्लड दोबारा वापस अंदर आ रहा होता है तो कार्डिक मसल क्या है, रिलैक्स हो जाते हैं। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आया। अब उसके बाद नेक्स्ट है स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स क्या होते हैं, ये हमारी मूवमेंट वगैरह को कंट्रोल करते हैं। हमें इसको कंट्रोल कर सकते हैं, जबकि कार्डिक मसल और स्मूथ मसल जो थे ये हमने पढ़ा था, क्योंकि ये इनवोलेंट्री है और ये हमारे पास क्या है, वोलेंट्री। इनवोलेंट्री का मैंने बताया कि हमें इसमें सोचना नहीं पड़ता, कुछ कहना नहीं पड़ता, खुद ब खुद ऑटोमेटिक हो जाता है इसमें काम। और वोलेंट्री में क्या है, हमें ऑर्डर पास करना पड़ता है, बताना पड़ता है, तो ये हमारे पास होते हैं वोलेंट्री मसल्स और इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये स्केलेटल मसल्स में आ गया जी। ये हमारे सारे टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो गए। इसी सबको हम यूज करते रहे, सॉल्व वर्क जो हमें पीडीएफ में मिल जाएगा उसको देख के हम बाकी अपना वर्क कंप्लीट कर लेंगे।